हुई है कि आज मुझे अखंड भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा राजकुमार तिवारी जी, पुनीत खरे जी और वैभव जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस अवार्ड के काबिल बन सकूं। बहुत ही सुंदर ट्रॉफी है और सबसे हाईलाइट जो थी, मुझे पता नहीं था कि उदित जी भी यहाँ पे आज उपस्थित होने वाले हैं और उन्होंने जिस तरीके से पूरे प्रोग्राम की शान बढ़ाई है और पूरा एक अलग समा बांधा, मेरा सौभाग्य है, मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, लेजेंड है, तो उनको सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ मैं बोल भी रहा था स्टेज पर, उनके हाथों से मुझे ये ट्रॉफी मिली है, तो बहुत एक तरीके से कह सकते हैं कि एक जो सपना बचपन से देखा था वो कहीं ना कहीं पूरा हुआ है कि उदित जी जैसे लेजेंड से मुझे एक मेरी जो भी मैं छोटा मोटा गाता हूँ उसकी अप्रिसिएशन मिली है मुझे, तो बहुत बहुत गौरव अखंड भारत गौरव अवार्ड से मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है जी। वो मुझे ये थोड़ा वो सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि पहले परफॉर्म करूँगा मैं, तो मुझे पता नहीं था, मुझे लग रहा था कि ट्रॉफी जब मिलेगी तो उसके साथ होगा, बट उदित जी सामने थे, विजय बेनेडिक्ट भी, वो इतने लेजेंडरी सिंगर हैं, उनका मिथुन चक्रवर्ती जी का जो पूरा करियर ग्राफ है उन्होंने बनाया, अगर गलत ये कहूँगा तो मैं गलत नहीं होगा, डिस्को डांसर से लेके जितने भी, मैं बचपन में 86 में मैं जन्म हुआ है मेरा, तो उसी दौर में सारी फिल्में आई थी लेट 80s में, और मैंने कहा भी था स्टेज पे आ गया हलवा वाला आ गया, वो मेरे बचपन में मेरी मम्मी हमेशा बोलती वो मेरा फेवरेट सॉन्ग था। तो ये आज एक बहुत ही एक डेजा वू वाला मोमेंट है कि एक जैसे एक पुरानी यादें होती हैं, बचपन की यादें होती हैं, और फिर आपका जब आप लड़कपन में आए, आपने संगीत सुनना शुरू किया सीरियसली, तो उदित जी के गाने सुनने को मिले, उदित जी ने जितने गाने गाए हैं वहाँ से लेके आज तक गाते आ रहे हैं और वही आवाज़ बरकरार है, और रफ़ी साहब किशोर दा के बाद जैसे उन्होंने भी कहा कि एक मौलिक आवाज़, खुद की एक आवाज़, बुलंद आवाज़, पुख्ता आवाज़, तो मेरे एज अ सिंगर एज अ म्यूजिशियन मैं बहुत मानता हूँ उनको, बहुत स्वभाव तो उनका जग जाहिर है, इतना खुश मिजाज कि जहाँ पे भी जाते हैं स्माइल्स फैलती हैं, खुशियाँ फैलती हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज मुझे यहाँ इन्होंने बुलाया और इस ट्रॉफी से सम्मानित किया। सर, क्या कुछ गाने लेके आए हैं? मेरा अभी लेटेस्ट हाल फिलहाल में काफ़ी गाने निकले हैं, पिछले ही साल से मैं कहूँगा 2023 भी बहुत अच्छा रहा था ऊपर वाले की कृपा से, क्योंकि काफ़ी नॉन फिल्म गाने भी निकले, और अल्लाह दे बंदे गुमराह फिल्म का जो आदित्य रॉय कपूर की फिल्म थी लास्ट ईयर अप्रैल में आई थी, वो मिथुन के साथ मेरा पहला कोलैबोरेशन था, मिथुन जो म्यूज़िक डायरेक्टर है, बहुत अच्छा गाना था, वो मेरा रिलीज़ हुआ था, फिर काफ़ी नॉन फिल्म गाने रिलीज़ हुए जो बहुत पॉपुलर भी हुए, काफ़ी लोगों ने पसंद किए। 2024 भी बहुत अच्छे से शुरुआत हुई, राम लला जी के लिए श्री राम, प्रभु श्री राम की मैंने डेडिकेशन करी, मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उनके लिए कुछ गा पाऊँ, और अभी बेगैरत करके मेरा हाल फिलहाल में गाना रिलीज़ हुआ था, बहुत पॉपुलर हुआ, और अभी दो तीन दिन बाद मेरा एक और गाना रिलीज़ हो रहा है बेहतरीन। तो ये सारे जो है नॉन फिल्म गाने हैं, एक एक करके फिल्म और वेब सीरीज़ और सारी जो एल्बम्स के सॉन्ग्स हैं वो भी लाइंड अप है, तो धीरे धीरे करके ऑल विल गेट रिलीज, तो आप सबको पता चलेगा। होने दे आज हल्ला, देखे गली मोहल्ला, चाहत के माथे चंदन का टीका, है राम सीता इसमें, शर्मो हया की रस्में, जिनमें मोहब्बतों का तरीका, सीखेगी छोरी और सीखेगा छबीला, राम सिया की देखो निराली है प्रेम लीला, प्रेम लीला। ये गाना प्रेम रतन धनपायो का सलमान भाई के लिए जो गाया था मैंने, और तेरी अखियों का वार जैसे शेर का शिकार, तेरा हुस्न धुएंदार जैसे जलता सिगार, तेरे प्यार का नशा कभी यार कभी पार, तेरा प्यार 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 हुक्का बार, ओ हो ओ मुझे डॉक्टर वैभव शर्मा जी ने इनवाइट किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड मुझे अवार्ड भी मिला है एक्सीलेंट वर्सटाइल चार्मिंग टेलीविजन एक्ट्रेस का, सो यस आई एम वेरी हैप्पी, एंड आप सभी लोगों से भी मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई, हम ऐसे ही हमेशा मिलते रहे, और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, मेरी माँ की मेहनत है और मेरी माँ का आशीर्वाद है जिसकी वजह से आज ये अवार्ड मेरे पास है, सो यस आई एम वेरी हैप्पी।
अभी मैं अपने दंगल टीवी का शो कर रही हूँ डत, जो कि काफ़ी सालों से कर रही हूँ, 2.5 साल हो गया है हमारे शो को, 800 से भी ज़्यादा एपिसोड्स हो गए हैं हमारे शो के। आप लोगों के प्यार की वजह से, दर्शकों के प्यार की वजह से, जो हमारे शो को इतना प्यार देता है कि हमारा सफ़र इतना लंबा चल रहा है। सो थैंक यू सो मच हमारी जो नत की ऑडियंस है उनका, थैंक यू। आज मुक्ति फाउंडेशन के इस स्टेडियम में, नहीं ऑडिटोरियम जी, मुक्ति फाउंडेशन ऑडिटोरियम जी, मुक्ति फाउंडेशन ऑडिटोरियम में जी, आज अखंड भारत गौरव अवार्ड सम्मान से कलाकारों को सम्मान किया है हमारे डॉक्टर गौरव वैभव शर्मा सर। मैं आज थोड़ा पजल हूँ, वैभव शर्मा सर, इसको अखंड भारत गौरव अवार्ड सम्मान आज हुआ है मुक्ति फाउंडेशन ऑडिटोरियम, और बड़ा ही खूबसूरत माहौल था, बड़ा ही खूबसूरत कार्यक्रम हुआ, एंड क्रेडिट गोज टू डॉक्टर वैभव शर्मा जी, बहुत खूबसूरत कार्यक्रम किया आपने और इतने लोगों को आपने सम्मान दिया, अवार्ड दिया, प्राउड ऑफ यू सर, थैंक यू। इस तरह का सम्मान आप करते रहिए और हम लोग आपके साथ। अरे सर थैंक यू सो मच, आज उस्ताद उदय का अवार्ड भी मिला है, और मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री और इंडियन सिनेमा को किसी ने विश्व के मानचित्र पर ग्लोबली अगर भारतीय सिनेमा का किसी ने नाम रोशन किया है तो वो दोस्तों हमारे सामने खड़े हुए हैं, गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया उस्ताद उदित नारायण जी। उदित नारायण सर जी, बस अब तो कितना कलेक्टर हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। क्या बात है, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हाँ, मुझे ये पहला अवार्ड मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है इसके लिए, और ये अवार्ड मुझे अयोध्या में राम मंदिर जो बना है उस पर मैंने एक भजन लिखा है, अयोध्या नगरी में छाई खुशियाली, उसी सॉन्ग उसके रचना के ऊपर ही मुझे ये अवार्ड मिलने जा रहा है, तो मुझे बेहद खुशी हो रही है इस बात से। जैसे मेरे गाने के बोल में पूरा, मतलब जो अभी ये गाने गा के सुनाती हूँ दो लाइन। मंगल भवन अमंगल हारी, अयोध्या नगरी में छाई खुशियाली, बोलो राम राम राम, जय श्री राम राम राम। और इसमें पूरा प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर ही मैंने ये सॉन्ग लिखा है, जैसे गंड किसे सिलाई बनी प्रतिमा प्यारी, साधु संत और ऋषि मुनियों ने प्राण प्रतिष्ठा कराई, बरसों की तपस्या आज हुई पूरी, धरती गगन पे छाई खुशियाली, बोलो राम राम राम। इसी तरह से मेरे गाने की लाइनें आगे बढ़ती जा रही है। आप नेपाल से आए हैं? हाँ, मैं नेपाल से आई हूँ, नेपाल विराटनगर से। मैं चाहूंगा कि आज उन्होंने अपना बेशकीमती वक्त हमारे अखंड भारत गौरव अवार्ड और इंडियन स्टार अवार्ड्स को दिया है, और आज बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री और साथ में अलग अलग क्षेत्र की विशिष्ट उपलब्धियों को हासिल करने वाले स्पेशल गेस्ट और साथ में बहुत सारे परफॉर्मर्स आज परफॉर्म करेंगे, बॉलीवुड सिंगर्स परफॉर्म करेंगे। विजय बेनेडिक्ट जी, जो सुपरस्टार डिस्को डांसर सिंगर हैं, जिन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के लिए आई एम ए डिस्को डांसर एंड जिमी जिमी आजा आजा गाने गाए थे, वो आज परफॉर्म करने वाले हैं। लेजेंडरी आइकनिक वर्ल्ड नंबर 1 प्लेबैक सिंगर, हमारे सबके चहेते दिलों की धड़कन
आदरणीय उदित नारायण जी बहुत जल्द आने वाले हैं, लेजेंडरी फिल्म मेकर केसी बोकरिया जी ही इज गोइंग टू अराइव, एंड लॉट्स ऑफ फिल्म मेकर्स, लॉट्स ऑफ सिंगर्स, दे आर गोइंग टू विटनेस दिस अखंड भारत गौरव अवार्ड एंड इंडियन स्टार अवार्ड्स, एंड आई विल बी होस्टिंग दिस वंडरफुल इवनिंग बींग एन इंटरनेशनल सेलिब्रिटी एंकर और मंची प्रस्तोता होते हुए आज मैं अपनी भाषा, अपनी जबान, अपने तहजीब अदब अखलाक से पूरे के पूरे देश और पूरे की पूरी कायनात से जितनी भी खूबसूरत हस्तियां इस खूबसूरत बज़्म ख्याल की महफिल में मुनक्कित हुई हैं उन सबको आज की इस एहतिशाम शाम में अपने जज्बात के लफ्ज़ सुखन से सबको दीवाना भी बनाऊंगा और सबको अपनी मोहब्बत से, अपनी एजाज से इस महफिल को और भी खूबसूरत बनाऊंगा। मैं भारत गौरव अवार्ड बहुत अच्छा लगा, इट वॉज सच अ ह्यूज ऑनर एंड आई गॉट द अवार्ड फ्रॉम नन अदर देन द सिंगिंग माइस्ट्रो उदित नारायण जी, व्हाट बेटर देन दिस, इट वॉज अमेजिंग। सो राइट नाउ आई एम वर्किंग इन अ जियो ओरिजिनल्स वेब सीरीज, सो आई एम डन विद हाफ ऑफ द शूट, अबाउट हाफ ऑफ द शूट इज पेंडिंग, सो या एक्साइटेड अबाउट दिस वन। I got this award as Queen of OTT, which is an amazing title, having been part of Z5 original films, have been part of Balaji films, and right now I'm also gearing up for a Z Studios films apart from this G Originals web series that I'm doing. So yeah, Queen of OTT, shining. थैंक यू। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजेश जी को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है ये अखंड भारत गौरव अवार्ड, और आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि उदित नारायण भैया जी के हाथ से मुझे आज अवार्ड मिला, इसके लिए मैं थैंक यू शुक्रगुजार हूँ। और उदित नारायण भाई जी घर जैसा संबंध है, आज मुझे जो है ना अपने छोटे भाई शैलेश तिवारी के अवार्ड दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सर आपको किस कैटेगरी में आपको अवार्ड मिला है? सर उन्होंने जो है ना मुझे उदित भैया ने बिजनेस कैटेगरी में अवार्ड दिया और बोला तिवारी जी आपके यहाँ जो है ना बिरार में प्रोग्राम रखी है, हम आपके यहाँ आने के लिए तैयार हैं, बहुत खुशी की बात है, उन्होंने बहुत सराहना किया, इसके लिए थैंक यू उदित भैया, धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आई हैव बीन अ ब्यूटी पेजेंट विनर एट फेस ऑफ द ग्लोब इंडिया एज वेल एज मुंबई ग्लोबल मिस एशिया वर्ल्ड, एंड आई एम ऑल्सो विनर ऑफ मोर देन 45 अवार्ड्स इन द फैशन इंडस्ट्री, एंड दिस इज अ रियल प्लेजर टू बी हियर टू रिसीव दिस फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द ग्रेट उदित नारायण, एंड आई रियली लाइक टू थैंक राजकुमार तिवारी सर फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड इन्वाइटिंग मी फॉर दिस इवेंट, एंड इट हैज बीन अ रियल प्लेजर, इट्स वन ऑफ द बेस्ट experiences I've had, and I hope to continue the journey here. खुश है और सर भी है यहाँ पे हमारे साथ में, थैंक्स फॉर अखंड भारत गौरव अवार्ड, थैंक यू राजकुमार तिवारी जी, एंड आई विल गो ऑन डूइंग माई वर्क, आई हैव गॉट दिस अवार्ड एज एन इंटरनेशनल पीस एम्बेसडर, एंड आई विल सी दैट आई एम मोर एफिशिएंट एंड मोर पावरफुल इन माई वर्क अहेड, थैंक यू सो मच। सभी को पहले मेरा जय हिंद, मैं कमांडो एंड एनर्जी कमांडो रमेश गुजराल, मैं पहली बार मैंने शो अटेंड किया है, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मतलब काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है कि बॉलीवुड में फर्स्ट टाइम पे मैं आया, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि देश पहले है, परिवार समाज मेरे बीवी बच्चे सब बाद में, सबसे पहले देश है, तो मैंने देश के लिए ये वर्दी पहनी, बाकी सभी का थैंक यू, धन्यवाद। सर क्या कुछ कहेंगे सर अवार्ड फंक्शन के बारे में, आपको अवार्ड मिला सर, किस लिए मिला आपको? थैंक यू, इतने बड़े मंच पे इतनी सराहना होती है, जब ये पिक्चरें चलती है मतलब एनिमल का लुक्स काफी हिट हो गया था उसके, और बाकी काफी सारा मैंने काम किया, आपने देखा ही होगा स्क्रीन पे, सो थैंक यू सो मच, मुंडे जी का भी थैंक यू और जो ऑर्गेनाइज किए उनको भी थैंक यू सो मच। कौन सी फिल्म किया? मैंने अभी रिसेंटली एनिमल, RRR, संजू डंकी, RRR, बाहुबली, बाहुबली 2, सैम बहादुर, अभी SLR, ये सब जो है मतलब जो वीक्स एंड एक्सटेंशन सब मैंने किए हुए हैं। सी फर्स्ट तो डायरेक्टर्स के साथ में मीटिंग्स होती है, फिर उनके स्केचेस वगैरह दिए जाते हैं, फिर एक्टर्स का मेजरमेंट वगैरह हम लोग लेते हैं, देन सब आगे की प्रोसेस होती है, फिर जब भी वीक्स वगैरह बनती है, एक्सटेंशन बनते हैं, उसके बाद में ट्रायल्स, एक दो ट्रायल्स के बाद में बाकी हम शूट्स पे जाते हैं।
थैंक यू सो मच मुंडे जी, इनकी वजह से ही ये मतलब मुकाम ये हुआ मुझे, थैंक यू सो मच। जितेंद्र जी पर्दे के पीछे के बहुत बड़े कलाकार हैं एक तरीके से, जो लोगों को पता नहीं चलता, मगर मैं ऐसे ही कुछ लोगों को ढूंढ के लाता हूँ और उनका सम्मान करता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेकअप का ही पार्ट है, तो उसकी वजह से हमारी कोई सराहना नहीं होती, लेकिन मेकअप की ज्यादा होती है फिर भी, मगर हेयर और वीग वालों के। अगर आपने ट्रिपल आर का जो ऑस्कर मिला है गाने को, जो राम का जो लुक है, वो सब मैंने की पूरा क्रिएट किया है, वीग्स बन गया सर। थैंक यू। दुख तो दुख तो होता ही है, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ मेकअप, सो बाकी देखते हैं आगे, शुरुआत है ये। थैंक यू सर। थैंक यू। ये क्या कुछ कहेंगे आज के परफॉर्म भी के अंदर? नमस्कार। अखंड भारत अवार्ड इज़ अ वेरी नाइस इवेंट एंड थैंक यू सो मच मिस्टर पुनीत खरे जी एंड राजकुमार जी फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस ऑस्पिशियस इवेंट। एंड उदित जी सर भी थे यहाँ पे और उन्होंने बहुत ही इन्जॉय किया मेरे डांस को एंड बहुत सारी ब्लेसिंग दिया, सो आई एम सो हैप्पी। एंड ये जो इवेंट है वो देश का है, तो आई प्राउड ऑफ की आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ये इसमें परफॉर्म करने का मौका मिला। जी, आपने स्लोगन है फिट है तो फिट है, और आप कुछ कर रहे हैं पुलिस वालों के लिए, क्या कुछ बताइए मतलब इसके बारे में? जी मेरा जो स्लोगन है, अगर आप फिट हैं तो आप हिट हैं। इसका मतलब ये है कि देखो, बिजी सभी लोग होते हैं, बट अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, हम योगा करें, कुछ करें और नेचर को सेव करें। और अभी रिसेंटली मैंने मुंबई ग्रीन मिशन में जो प्रोग्राम है सीएम का, वो बहुत अच्छे से मैंने किया है और उसका पूरा जो इनिशिएटिव लिया है मैंने और मेरे जो पार्टनर हैं शुभजीत मुखर्जी सर, एंड इसमें हमें हमारे जो कमिश्नर हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है मुंबई ग्रीन मिशन में, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड अभी बहुत ही हॉट सब्जेक्ट है। और आई एम सो हैप्पी कि ये वर्क मैं कर रही हूँ उन लोग के लिए, मुंबई पुलिस के लिए। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम लकी। अभी 2000 तक प्लांट लग चुके हैं और अभी नेक्स्ट जो हमारा पैच है वो फायर रेंज घाटकोपर में मिला है हमें, क्योंकि मुंबई में स्पेस नहीं है इतना सारा प्लांटेशन करने के लिए, तो हमने कमिश्नर के थ्रू उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और फाइनली एडमिन डिपार्टमेंट ने हमें स्पेस दे दिया जहाँ पे 2000 प्लांटेशन लगेंगे और फ्रेश ऑक्सीजन आप लोगों को मिलेगी और आप सभी लोग हेल्दी लाइफस्टाइल से जिएंगे। सो मेरा ये कहना है कि आप नेचर से प्यार करें, सो आप फिट हैं तो आप हिट हैं। थैंक यू, बाय बाय। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन हियर बिकॉज आप लोग सब लोग यहाँ पे हैं और बहुत बड़ी बात है, ताकि मेरी सब बातें और आज की जो चीज़ें आपने स्टेज पे देखी है वो सब लोगों के पास, मुंबई के जितने लोग हैं उन सबके पास पहुँचे आप लोग के थ्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू, राइट। और जो आज का माहौल था अंदर वो वॉज वेरी सुपर, मतलब मुझे लग रहा था कि यार मुझे पंजाब वाला फील मुंबई में भी आ गया, क्योंकि मैंने वो चीज़ कोशिश की कि माहौल बन जाए। एंड आई वॉज सो हैप्पी, थैंक्स टू पुनीत सर जिन्होंने मुझे मौका दिया आप सबके रूबरू होने का और एक बार मुंबई में अपनी जगह बनाने का, एक बहुत अच्छा जरिया था। सो इट वॉज वेरी नाइस एंड आई हैड सो मच फन टुडे। दास एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम हैदराबाद एंड बहुत बहुत थैंक यू टू मिस्टर पुनीत खारे हु इन्वाइटेड मी हियर। और मैं यहाँ पे काम करना चाहती हूँ अभी, ये साउथ से बहुत सारे टैलेंट को अभी बॉलीवुड में काम मिल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि साउथ फिल्म अभी सिर्फ साउथ की नहीं ऑल ओवर इंडिया में लोग देख रहे हैं और हमारे जैसे साउथ के आर्टिस्ट लोगों को यहाँ पर भी काम मिलने का चांस है। तो मैं यहाँ पर ट्राई करना चाहती हूँ और आगे काम करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस। I'm really grateful to Akhand Bharat Gaurav Award, to Dr. Vaibhav Sharmaji, to the organizers, Dr. Rajkumar Tiwari ji, Puneet Khare sahab, Ram Prasad Sharma sir. मैं आज कृतज्ञ हूँ, ओतप्रोत हो चुका हूँ कि मुझे अखंड भारत गौरव सम्मान मिला, वो भी हमारे इंस्पिरेशन उदित नारायण सर साहब के साथ। और डिस्को डांसर द फेमस सॉन्ग जो गाया गया था विजय बेनेडिक्ट साहब, आज मैं उनसे साक्षात्कार हो पाया, उनके सामने मुझे अवार्ड दिया गया, वो स्टेज पर थे, मेरे लिए बहुत ही सम्मान का विषय है। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, मैं कृतज्ञ हूँ कि मैं
मुझे इस काबिल समझा गया कि मैं उस मंच पर आ सकूं. आई एम रियली ग्रेटफुल टू द पीपल दैट दे लाइक माई वर्क इन फाइटर एज ज़रीना बेगम एंड प्रीचर इन द केरला स्टोरी. इससे पहले भी ऑडियंस का काफ़ी सराहना मिला, बट इस तरह से रिकॉग्निशन मेरे लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है, ताकि मैं मेहनत कर सकूँ, अपनी अपने सपनों को साकार कर पाऊँ. आई एम रियली ग्रेटफुल. थैंक यू. सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा कि अखंड भारत गौरव अवार्ड को. और कोई भी अवार्ड छोटा या बड़ा नहीं होता है, सब अपने आप में. मैं भी पहले एक छोटा आदमी था, उसमें से बड़ा बना, और सब सुपरस्टार जो छोटे थे वो बड़े बने. उनकी पहली पिक्चर भी ब्राइट ने की है. तो इंसान को छोटे या बड़े से नहीं, हर एक को प्यार देना चाहिए और हर एक के साथ अच्छा रहना चाहिए. वो मेरे खास चुने दोस्त और बहुत अच्छे इंसान है और मेरे साथ बहुत सालों से जुड़े हैं. तो उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था. अभी मैं सोनू निगम का एक शो था मलाड में, खत्म करके दौड़ के उनके लिए स्पेशल आया मलाड से अंदर ही वापस. मुझे ब्रांड एम्बेसडर के लिए अवार्ड में दिया गया है. मैं सोशल वर्क भी करती हूँ और मैं अपने मैं मिसेस एशिया इंटरनेशनल क्राउन विनर हूँ और वो मैं 2021 में मैंने जीता था दुबई से. मैं मिसेस ग्लोबल विनर हूँ फ्रॉम दुबई 23 एंड नाउ मैं अपने शहर में अपने होम टाउन में सोशल वर्क करती हूँ. और इस बहुत तरह के सोशल वर्क में करती हूँ. गांव-गांव में जाना, वहाँ के लेडीज़ के लिए, गांव के जो लेडीज़ हैं उनको सैनिटरी पैड और बच्चों के लिए शिक्षा का काम और नशाखोरी मुक्ति केंद्र में जाना और पेट्स के लिए और ओल्ड एज होम के लिए, इस तरह के बहुत सारे काम मैं करती हूँ. और वो सारे काम मैं अपने पॉकेट से करती हूँ जितना भी वक्त मिलता है. और मैं चाहती हूँ मेरा जो होम टाउन है बिहार, वो इन सब चीज़ों में और आगे आए. वहाँ की महिलाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए मैं और भी काम करूँ. और उसके लिए मैं यहाँ आई. आज मुझे ब्रांड एम्बेसडर यहाँ चुना गया है और मैं बहुत ही खुश हूँ यहाँ करके कि ये इतने अच्छे प्लेटफॉर्म यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं हमारे राजकुमार तिवारी सर जी, जो उनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे अपनी बातों को रखने का मौका दिया. और आज मैं आप सबों के सामने मैं अपनी बातें रख पा रही हूँ कि मैं आज अपने शहर में बहुत बड़े बड़े काम कर रही हूँ. और मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से वो सब चीज़ें भी लेके जाऊँ जो उन्हें और चाहिए है. तो बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ और बहुत कुछ मैंने सीखा है. इसके लिए आप सबों का धन्यवाद.